खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदा रहमत खान की। मुखय्यर हजरात और गवर्नमेंट से इमदाद देने की अपील। ज़िला राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में लोग फसलों से महरूम हो गए, इनके घर मुनहदम हो चुके हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं ये न्यूज़ का नुमाइंदा रहमत खान मुस्तकील इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में। यहाँ यकीनन सैलाब ने नहायत तबाही मचाई हुई है। लोग जो यहाँ रिहाइश पजीर थे वो बेघर हो गए, लोगों के घर मस्मार हो गए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये घर गिरे हुए हैं। ये इन लोगों की ये जो फसलें थी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ये लोग जो है ना नहायत मुश्किलात में हैं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि खुदारा इन लोगों की मदद की जाए। आइए इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों की क्या क्या मुश्किल हैं। जी हाजी साहब, क्या मसाइल हैं आपके? राशन माशन देर थोड़ा देंगे तो खुद देने के लोट मार है बस अभी कम पहुँच जाते हैं। इन मकान की तामीर के लिए आपको कोई इमदाद मिली है कि नहीं? अभी तक फिलहाल कोई कुछ नहीं मिली। कितना नुकसान हुआ है आपके इन मकान का? काफ़ी सारे नुकसान है, 5-5 लाख रुपये नुकसान है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इन लोगों के जो मकानात हैं ये सिर्फ इन लोगों के ही नहीं बल्कि इन लोगों के ये मकानात, एक तो मकानात तबाह हो गए, इनके अलावा ये जो फसलें आप दे सकते हैं इर्द गिर्द जो है ना मतलब आप ये पानी देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं और इन फसलात का नामो निशान भी नहीं रह गया। ये देख सकते हैं आप, ये इन लोगों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं।